बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज लेक्चर इज रिलेटेड टू डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। लास्ट लेक्चर्स में हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन करने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स एक्सेट्रा की ज़रूरत होती है। आज का जो मेन टॉपिक है वो उसमें हम फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करेंगे। In last lecture, we I described something about payment design. So, payment thickness design is the determination of thickness of various payment layers of various payment materials for a given soil conditions and the predicted design traffic in terms of equivalence standard axle load that will provide the desired structural and functional performance over the selected design life. सो पेमेंट थिकनेस डिज़ाइन करने में के लिए हमें डिफरेंट अपने पेमेंट की थिकनेस को डिज़ाइन करना पड़ता है। वो आपकी जो थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। फर्स्ट फैक्टर इज़ सोइल कंडीशंस एंड सेकंड फैक्टर इज़ प्रिडिक्टेड डिज़ाइन ट्रैफिक। तो प्रिडिक्टेड डिज़ाइन ट्रैफिक हमने लास्ट लेक्चर में ईजल्स के काउंट किए थे, वो होती है हमारी प्रिडिक्टेड डिज़ाइन ट्रैफिक। और दूसरी कंडीशन होती है सोइल कंडीशन की, हमारी सोइल कंडीशन कैसी है। अगर सोइल कंडीशन अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमारी सोइल कंडीशन सोइल की स्ट्रेंथ अच्छी है तो हमारी पेमेंट की थिकनेस कम आएगी। अगर हमारी सोइल की कंडीशन या सोइल की स्ट्रेंथ कम है तो हमें जो अपनी लेयर्स हमने अपनी न्यू बनानी है उसकी हमें लेयर्स की थिकनेस हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये जो दो मेन चीज़ें होती हैं, सोइल कंडीशन और प्रेडिक्टिव डिज़ाइन ट्रैफिक, इन दोनों को कंसिडर किया जाता है डिज़ाइन पेमेंट डिज़ाइन की लेयर्स की थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए। दूसरे नंबर पे हमने जो पेमेंट डिज़ाइन करनी है उसका जितने ऐसे के लिए करनी है, 20 साल के लिए करनी है, 15 साल के लिए करनी है, तो हमने ये देखना है कि उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल परफॉर्मेंस जितनी हमने थिकनेस दिया है लेयर्स की उसको फुलफिल करें और वो डिज़ाइन लाइफ हमारी कंप्लीट हो उस पेमेंट के साथ। उसके बाद हमने पढ़ा था डिज़ाइन कंसीडरेशन। द फैक्टर्स कंसीडर इन द आस्टर प्रोसीजर फॉर द डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट आर प्रेजेंटेड इन 1993 गाइड आर पेमेंट परफॉर्मेंस, ट्रैफिक, रोड बेस्ड सोइल, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, एनवायरनमेंट, ड्रेनेज और रियलेबिलिटी। जब हम आस्ट्रो का प्रोसीजर यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट तो हमें डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। और वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो ये 7 फैक्टर्स होते हैं जिनको की बेस पे हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले आता है पेमेंट परफॉर्मेंस। तो पेमेंट परफॉर्मेंस हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं जिसमें हम स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस और हम फंक्शनल परफॉर्मेंस को कंसीडर करते हैं। स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस में उस पेमेंट की स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस आती है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी जो लेयर्स हैं उसकी स्ट्रेंथ आपकी उसकी स्ट्रेंथ की परफॉर्मेंस कितनी है और उसकी आपकी लोडिंग के मुताबिक वो उसको बियर कर सकता है कि नहीं कर सकता। और फंक्शनल परफॉर्मेंस में आपकी आती है राइडिंग क्वालिटी, कि आपकी राइडिंग क्वालिटी कैसी है, उसकी फंक्शनल परफॉर्मेंस कैसी है। दूसरे नंबर पे आता है आपका ट्रैफिक। ट्रैफिक में आते हैं ईजल्स जो हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेट किए थे। इसको डिफरेंट फार्मूला से, दो फार्मूले हमने किए थे, एक ट्रक फैक्टर वाला और एक सिंपल फार्मूला जिससे हमने एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक के अगेंस्ट हमने अपनी जस्ट हैवी ट्रैफिक पे ईजल्स काउंट किए थे, पैसेंजर्स ट्रैफिक को कंसीडर नहीं किया था। तो उसमें हमने 2 एक्सल और 3 एक्सल वाले जो हमारे पास एक्सेल से उनके लोडिंग के अगेंस्ट हमने ईजल्स काउंट किए थे ग्रोथ रेट्स के लेके अपने जितने साल के लिए हमने डिज़ाइन की उसके मुताबिक। उसके बाद ये डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, रोड बेस्ड सोइल, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, एनवायरनमेंट, ड्रेनेज और अवेलेबिलिटी। आज हम इन सबको डिस्कस करेंगे बारी बारी और देन जाके हम अपनी फ्लैक्सीबल पेमेंट की थिकनेस को डिटर्मिन करने के लिए नुमाइकल भी करेंगे। सो फर्स्ट इज रोड बेस्ड सोइल। तो रोड बेड सोइल सबग्रेड मटेरियल द आस्ट्रो 1993 गाइड आल्सो यूजेस द रेजिलियंस मॉडुलस ऑफ द सोइल टू डिफाइन इट्स प्रॉपर्टी।
बेसिकली रेजिलियंस मॉडुलस इज द सेम जो हमारे पास हम एमओएस में आप स्टडी करके हैं अबाउट इलास्टिक मॉडुलस। जो आप एमओएस में इलास्टिक मॉडुलस पढ़ते थे जिसमें एक स्ट्रेस और स्ट्रेन की कर्व बनती थी और जो स्ट्रेट लाइन होती थी हमारी, उसको हम कहते थे ये हमारा इलास्टिक मॉडुलस है। और वो इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू हमें बताती थी कि उस चीज़ की स्ट्रेंथ कितनी है। तो रेजिलियंस बेसिकली इलास्टिक मॉडुलस जो होता है वो हम लेते हैं स्टील और दूसरे केसों में, जबकि सॉइल के केस में हम उसको लेते हैं रेजिलियंस मॉडुलस। और रेजिलियंस मॉडुलस हम चेक करते हैं अपनी सबग्रेट सॉइल की लेयर पे, जो बिकॉज आपको पता है कि सबग्रेट जितना की सॉइल की स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी आपकी, उतना ही आपकी पेमेंट उतनी ही मजबूत होगी। ऑब्वियसली बात है, जब आपकी सबग्रेड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको ऊपर वाली लेयर्स की थिकनेस भी कम डालनी पड़ेगी, जिससे आपकी कॉस्ट भी अफेक्टिव होगी, कॉस्ट भी बच जाएगी। अगर आपकी सबग्रेड की थिकनेस, सबग्रेड की स्ट्रेंथ, सॉइल की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो हम क्या होगा कि हमें उसके लिए एक्स्ट्रा लेयर भी डालनी पड़ेगी, और ऊपर जितनी लेयर्स डालनी है उनकी भी हमें जो थिकनेस है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो सबग्रेड है या हमारी फाउंडेशन है उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है। तो रेजिलियंस मॉडुलस बेसिकली इलास्टिक मॉडुलस ही होता है जो हमें बताता है आप अपने सॉइल की स्टिफनेस, क्योंकि हमारी सॉइल कितनी स्टिफ है, जितनी एमआर की वैल्यू हाई होगी उसका मतलब है हमारी सॉइल उतनी ज़्यादा सबग्रेड की अच्छी है। तो बेसिकली हम उस फाइंड आउट करते हैं सीबीआर से, सीबीआर टेस्ट से हम फाइंड आउट करते हैं। अब सवाल ये है कि सीबीआर को हम क्यों नहीं कंसीडर करते इन दिस फार्मूला। तो हम जब आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा इनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन के, कुछ मेथड्स में हम सीबीआर को फॉलो करते हैं, कुछ में हम दूसरे कंपोनेंट्स में उसको कन्वर्ट करके फॉलो करते हैं। जब आस्ट्रो में हमें सीबीआई की जगह उसके फार्मूले में हमें देखनी पड़ती है एमआर की वैल्यू ग्राफ्स अपने टेबल्स के थ्रू, तो इसलिए क्योंकि आस्ट्रो में हमें सीबीआई को उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है हमें मॉडुलस, रेजिलियंस मॉडुलस में, दैट्स व्हाई हमें अपने सीबीआई को कन्वर्ट करना पड़ता है अपने रेजिलियंट मॉडुलस में। सो ये अब हमारे पास अगर सीबीआई की वैल्यू है अपने सोइल की, हमें सीबीआई की वैल्यू बताती है अगर सोइल कितनी ज़्यादा स्टिफ है, तो एमआर भी सेम चीज़ है। तो हमें सीबीआई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसको एमआर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए ये दो फार्मूलेज होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। वो दो फार्मूलेज कौन से होते हैं, एमआर इन पीएसआई, रेजिलियंस मॉडुलस इन पीएसआई इज इक्वल टू 1500 सीबीआर फॉर फाइन ग्रेन सॉइल विद सीबीआर इज लेस देन और इक्वल टू 10। अगर हमारे पास सीबीआर की वैल्यू 10 की इक्वल है या 10 से लेस है तो हम जो वैल्यू यूज करेंगे एमआर की वो होगी 1500 मल्टीप्लाई बाय सीबीआर की वैल्यू। अगर हमारी सीबीआई की वैल्यू फर्स्ट करें 5 है तो हम क्या करेंगे, 1500 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू एमआर, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा पीएसआई में। अगर हमारे पास सीबीआई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 आ जाती है तो फिर हम जो वैल्यू यूज करेंगे वो होगी 2555 सीबीआई की, जो हम इस सीबीआई की वैल्यू लेंगे और हम उसको जो पावर लेंगे वो 0.64 लेंगे। तो इस फार्मूले से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, अगर हमारे पास क्वेश्चन में सीबीआई की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तो हम अपने एमआर की वैल्यू उससे इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो आई थिंक समझ आ गई होगी कि रेजिलियंस मॉडुलस बेसिकली हमें उसके सब ग्रेड के सॉइल की स्ट्रेंथ को बताता है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी हमारी सब ग्रेड की उसके मतलब ये है कि हमारी जो ऊपर लेयर्स हैं उनकी थिकनेस कम हम रखेंगे, क्योंकि हमारी सबग्रेड की सॉइल की स्ट्रेंथ अच्छी है, हमारे हम कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। तो रेजिलियंस मॉडुलस बेसिकली इलास्टिक मॉडुलस ही होता है, तो सॉइल के लिए हम उसे रेजिलियंस मॉडुलस का नाम देते हैं, और सीबीआर की वैल्यू को हम रेजिलियंस मॉडुलस में शिफ्ट करने के लिए इस फार्मूले के थ्रू इसको शिफ्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज नाउ मटेरियल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन। अब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये है कि हमने अपनी लेयर के अंदर किस कौन सा मटेरियल को यूज करना है।
बेसिकली इनको तीन ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। सरफेस कोर्स के लिए A1 लेयर कोफिशिएंट लेते हैं, बेस कोर्स के मटेरियल के लिए हम A2 लेयर कोफिशिएंट लेते हैं, और सब सरफेस कोर्स के मटेरियल के लिए A3 कोफिशिएंट लेते हैं। अब यह क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज वाइड डिपेंड ऑन दिस। अगर हमारे पास दो लेयर्स हैं 6-6 इंचज की, और एक लेयर में हमारे पास स्ट्रॉन्गर मटेरियल यूज है और एक लेयर पे हमारे पास वीकर मटेरियल यूज है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि जिसमें स्ट्रॉन्गर मटेरियल यूज किया ऑब्वियसली बात है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और अगर हमें अपने और जिस लेयर में हमने स्ट्रॉन्गर मटेरियल यूज़ करना हो सकता है उसकी हमें अगर हम उस लेयर की थिकनेस कम कर दें तो हमारी अपनी स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं, जबकि वीकर मटेरियल की अगर लेयर की थिकनेस उतनी है तो वो उसके अपनी स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर सकते। तो हम मटेरियल कोफिशिएंट्स लेते हैं जिसमें हम तीनों कोफिशिएंट्स को नाम देते हैं। सरफेस कोर्स के लिए हम कोफिशिएंट का नाम लेते हैं A1, सब बेस कोर्स के लिए हम कोफिशिएंट का नाम लेते हैं A2 मटेरियल कोफिशिएंट, और सब बेस कोर्स के लिए हम मटेरियल कोफिशिएंट का नाम देते हैं A3 का। तो लेयर कोफिशिएंट A1 से आपको पता लग जाना चाहिए ये हमारे पास लेयर कोफिशिएंट है फॉर HMA सरफेस लेयर के लिए। अगर हमारे पास रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू गिवन है जो हमने भी आपसे डिस्कस किया था, और ये वैल्यू आती है हमेशा 10^5 PSI में, तो अगर हमारे पास रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू गिवन है तो हम अपने सरफेस कोफिशिएंट की वैल्यू को A1 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। फर्स्ट करें अगर हमारे पास वैल्यू है 3, तो 3 × 10^5, तो हम अपने रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू 3 × 10^5 लेंगे और अपने सरफेस कोफिशिएंट की वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे, ऑलमोस्ट ये आती है 0.35 के इक्वल। तो इस तरह हम अपने कोफिशिएंट सरफेस कोफिशिएंट को कंसीडर कर सकते हैं। बट अब इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 तक है और ये भी 0.5 तक है, तो अगर हमारे पास वैल्यू 6 आती है 7 आती है तो वो हम कैसे कंसीडर करेंगे, उसके लिए हम फिर ये दूसरा ग्राफ होता है, इसमें हम देख रहे हैं आप के मॉडुलस की वैल्यू ये भी 10^5 में है और ये 1 से लेके 10 तक है, और स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट की ये वैल्यू ये ग्राफ इस तरफ ये जा रहा है, ये भी नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अब ये दरमियान वाली चीज़ें इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, तो अगर मसलन आप मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू इसके थ्रू भी आप स्ट्रक्चरल नंबर निकाल सकते हैं, या कोएसोमीटर की मदद से भी आप निकाल सकते हैं, मगर अगर आपके पास रेजिलियंस मॉडुलस गिवन है तो इन दोनों को आप इग्नोर कर दें और अपनी वैल्यू के अगेंस्ट आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट करें अगर आपकी वैल्यू 6 × 10^5 है तो 6 × 10 पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके साथ जाके टच करेगी वो वैल्यू होगी हमारी लेयर कोफिशिएंट A1 की। तो इस ग्राफ के थ्रू भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और लास्ट ग्राफ के थ्रू भी हम उसकी वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं A1 के मटेरियल कोफिशिएंट फॉर सरफेस लेयर। सो A1 की वैल्यू हम इधर से निकाल ली हमने। नेक्स्ट फैक्टर इज A2, लेयर कोफिशिएंट A2 फॉर अनट्रीटेड बेस लेयर। तो बेसिकली बेस लेयर हमारे पास तीन किस्म की होती हैं, अब देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है अनट्रीटेड, नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये लिखा होगा बिटुमिनस ट्रीटेड, एंड नेक्स्ट इज सीमा ट्रीटेड। तो बेसिकली बेस लेयर में हम आप जिसको हम वाटर बॉन्ड भी कहते हैं नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो अनट्रीटेड होता है, जिसमें हमारे पास कोसाइगेट्स वगैरह होते हैं और इसमें हम किसी चीज़ की इंक्लूड नहीं करते। अगर अपने बेस कोर्स के अंदर बिचुमन के लिए बिचुमन को ऐड कर रहे हैं तो वो फिर हमारे पास हो जाएगा बिचुमेनियस ट्रीटेड, और अगर हम उसमें सीमेंट की इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा सीमेंट ट्रीटेड। तो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो हम जस्ट ग्रैनुलर मटेरियल्स यूज़ करते हैं तो वो हमारे उसे हम कहते हैं अनट्रीटेड, क्योंकि उसमें हम कोई चीज़ मिक्स नहीं कर रहे होते। तो ये होगा हमारे पास लेयर कोफिशिएंट A2 फॉर द बेस लेयर। तो ये भी हम वैसे ही निकालेंगे जो हमारे पास, अब ये देख रहे हैं आप मॉडुलस की वैल्यू इधर आती है 1000, लास्ट में हमने किए थे वो होती 10^5 PSI, अब ये जो हमारे पास वैल्यू होगी 30 × 1000 × 2 = 30000, तो हम 30000 के अगेंस्ट अपने कोफिशिएंट की वैल्यू को रीड कर लेंगे, और 30000 के अगेंस्ट हम देखेंगे तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 0.14
तो ये हम वैल्यू सीबीआई के थ्रू भी देख सकते हैं, और ये इन रोड की बेस पे हम ये मॉडल्स और सीबीआई के थ्रू देख सकते हैं। बाकी चीजों को आप इग्नोर कर दें। हमने कोफिशिएंट को देखने के लिए ये 30 से अगेंस्ट हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, और जहां पे वो टच करेगी सामने वो हमारे पास वैल्यू आएगी ए टू कोफिशिएंट की। तो इसी तरह ये अनट्रीटेड है तो हमारे पास सिंपल है, कोई किसी चीज की मिक्सिंग नहीं है तो उसे हम अनट्रीटेड कहते हैं, तो उसमें ये यूज करेंगे। अगर उसमें बिटुमेन को ऐड किया तो बिटुमेन इसलिए होगा, तो उसमें भी हम ये अगर 2.5 इंटू ये अभी देखें, इसमें हमारे पास 10 के 5 की वैल्यू आएगी, तो उसके अगेंस्ट हम स्ट्रक्चर कोफिशिएंट की वैल्यू को देख लेंगे। इसी तरह हमारे पास सिमेंट रेटेड है तो उसमें भी 10 के 5 में मॉडुलस की वैल्यू है, वो इसके अगेंस्ट हम अपनी वैल्यू को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज लेयर कोफिशिएंट ऑफ A3 फॉर द सब बेस लेयर। तो इसमें भी आपके पास जो वैल्यू है वो 1000 की फॉर्म में आ रही है, तो इसमें भी हम या तो अपने मॉडुलस की बेस पे देख सकते हैं, या हम अपने सीपीआई की वैल्यू के अगेंस्ट अपने स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट की वैल्यू को देख सकते हैं। तो अगर हमारे पास 20 है तो 20 से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, और जहाँ पे वो टच करेगी वो हमारे पास A3 की वैल्यू आ रही है। तो ये थे हमारे पास स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स A1, A2, A3 हम कैसे कंसिडर करते हैं, उन कोफिशिएंट्स को आपसे कैसे वेट आउट करते हैं। अब देखें ये हमारे पास अगर वैल्यू 0.14 है तो हम इसको जब हम सामने टच करेंगे तो उधर से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 0.11 या इसके दरमियान में। इसी तरह अगर हम सीपीआई हमारे पास 10 है तो इसके थ्रू भी हम इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो वो 0.08 आ रही है। नेक्स्ट कोफिशियंट इज ड्रेनेज कोफिशियंट। The effect of drainage on the performance of flexible pavement is considered with respect to the effect water has on the strength of the base material and the roadbed soil. This effect is expressed by the drainage coefficient M. This value is dependent on the drainage quality and the percent. सो ड्रेनेज कोफिशिएंट हम लेते हैं कि उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हमारी सोइल में कैपेसिटी होती है वाटर को अब्जॉर्ब करने की, जिसे हम सैचुरेशन कहते हैं, कि कितने टाइम के लिए आपकी जो सोइल है वो उसमें पानी वो जल वाटर वेपर जस्ट करता है, और कितने टाइम में वो उसको रिमूव करता है अपने अंदर। जब जैसे फ्लड हुए आते हैं तो आपको पता है कि पानी आपके रोड के अंदर आपके सोइल में जाता है, और कुछ ऐसे के बाद वो पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो अगर पानी हमारा ड्रेन आउट ना हो तो आपकी सोइल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उसमें सैचुरेशन लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम अपने आस्ट्रो के डिज़ाइन में ड्रेनेज फैक्टर को भी कंसीडर करते हैं और उसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसके लिए हमारे पास ये एक चार्ट होता है, ड्रेनेज चार्ट, जिसमें एक तरफ क्वालिटी ऑफ ड्रेनेज लिखी हुई है और एक तरफ लिखी हुई है परसेंटेज ऑफ टाइम पेमेंट स्ट्रक्चर इज एक्सपोज टू मॉइस्चर लेवल अप्रोचिंग सेचुएशन। तो इसमें आप क्वालिटी ऑफ ड्रेनेज से मुराद ये है कि हमारी जो मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, कि अगर उसमें पानी जमा होता है तो वो कितने ड्यूरेशन के बाद उसको अपने अंदर से ड्रेन आउट कर देता है। अगर 2 घंटे में कर देता है दिस इज एक्सीलेंट, अगर 1 दिन में लगाता है तो दिस इज गुड, और नॉर्मली 1 वीक में अगर लगाता है तो इज फेयर, अगर 1 मंथ लगाता है तो ये पुअर, और अगर कभी ड्रेन ही नहीं होता उसमें सैचुरेट ही रहता है तो वो वेरी पुअर। एक पार्ट इसका ये होता है। दूसरा पार्ट ये होता है कि अगर उसमें के 1 महीने में कितने परसेंट या कितने दिन पानी उसमें एब्जॉर्ब रहता है, अगर 1 दिन या लेस देन 1 डे होगा तो वो 1% होगा, तो 1.4 से 1.35 इसकी परसेंटेज लेते हैं। अगर 1 से 5% के दरमियान मतलब 4 दिन उसमें आता है तो वो इसमें आएगा। अगर वो 5 दिन सैचुएट रहता है, मतलब कि 5 दिन सैचुएट रहने के बाद वो अपने आप को 5 दिन उसमें फ्लड आता है और 5 दिन पानी उसमें आता है, उसके बाद वो उसको रिमूव करता है और रिमूव करने में 1 वीक लगाता है, तो वो हमारे पास 5% आएगा। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 25% आता है तो वो भी हम उसकी वैल्यू यहाँ से कंसिडर करते हैं। फिर एक तो हम कंसिडर करते हैं कि वो कितना टाइम लेता है आफ्टर फ्लडिंग, और पानी मतलब ऊपर से आना बंद हो जाए और कितना टाइम लेता है उसको रिमूव करने में, वो आपकी ड्रेनेज क्वालिटी होगा होगी, और कितना टाइम आपका पानी उसमें रहता है वो हमारे पास इधर से आएगा कि कितने परसेंट आपका 1 मंथ में उसमें पानी ऊपर उसकी सरफेस पे रहता है। नेक्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी। Easels, cumulative easels is an important input to any pavement
design method. However, the determination of this input is usually based on assumed growth rate, which may not be accurate. In Astro 1993 guide proposed the use of availability factor that considered the possible uncertainties in traffic prediction and performance prediction. Availability design index R percentage, which determine assurance level that the payment section designed using the procedure will survive for its design period. So the availability क्या होती है? Basically availability होती है कि किस चीज की authenticity कितनी है. बेसिकली यहाँ उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है. बेसिकली जब हम easels काउंट आउट करते हैं तो आपको पता है कि हम उस पर प्रॉपर एक्चुअल डाटा नहीं लेते. हम उस पर एक ग्रोथ रेट अज्यूम करते हैं कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आज की ट्रैफिक हमारी इतनी है और 20 सालों के दरमियान हमारी हर साल इतनी 3% 5% हमारी ट्रैफिक इंक्रीज होगी. अब ये एक अथेंटिक डाटा नहीं होता. मतलब कि ये हो सकता है कि एक साल बाद उसका ग्रोथ रेट हमने ईजल्स काउंट करने में 4% लिया बट वो 5% या 6% इंक्रीज हो जाता है. तो ये हम एक प्रेडिक्ट कहते हैं. अवेलेबिलिटी बेसिकली होता है कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा अवेलेबल है या उस पर हम कितना ज़्यादा एतमाद कर सकते हैं. जैसे इसकी एक मिसाल है नॉर्मल लाइफ में कि हम कुछ चीज़ें होती हैं चाइना की, कुछ होती हैं आपकी जैपनीज़ की. तो हम जैपनीज़ की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें पता है कि उनके उन्होंने जो मटेरियल यूज़ किया या उनकी जो लाइफ है वो एक्चुअल में अच्छी है बनिस्बत चाइनीज़ की. जो चाइनीज़ चीज़ आपकी कम अवेलेबल है उस पर हम कम एतमाद कर सकते हैं बनिस्बत अपनी जैपनीज चीज़ की या ब्रांड की चीज़ की. तो इसी तरह रोड के केस में क्योंकि हम अपने जो डाटा कलेक्ट करते हैं बेसिकली वो डाटा नॉर्मली हम एक साल का कलेक्ट करते हैं और 20 सालों के लिए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इतने परसेंट ग्रोथ रेट के साथ हमारा डाटा इंक्रीज होगा हर साल. तो अगर वो उसमें कोई ये हमारे पास चीज़ें आती हैं अनसर्टेन चीज़ें होती हैं जिसको हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं. हो सकता है ये टाइम के साथ साथ चेंज होती हैं. कोई आपकी कोई एक रोड बंद हो जाए तो दूसरे रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक जाना शुरू हो जाए या आपकी कोई नई कंपनी आ जाए या आपका कोई नई फैक्ट्री खुल जाए तो वहाँ पे उस रोड पे आपकी ट्रैफिक लोडिंग इंक्रीज हो सकती है किसी भी वजह से. तो हम वो मतलब वो रिलायबल नहीं रहेगा इतना ज़्यादा क्योंकि हमने इसको प्रेडिक्ट किया था ग्रोथ रेट के मुताबिक. तो इसलिए जो हमारा आस्ट्रो डिज़ाइन है वो इन चीज़ों को कोऑपरेट करने के लिए अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी कम है तो हम क्या करते हैं अपने थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो कंसीडर हो जाए अपने थिकनेस अपने पेमेंट डिज़ाइन में. और हम उसी थिकनेस को थोड़ी इंक्रीज कर दें ताकि वो अगर आपकी ट्रैफिक ईजल्स वगैरह इंक्रीज भी होती है तो आपके रोड को डैमेज ना कर सकते हैं. तो इसको हम इस टेबल से देखते हैं. जब आप देखते हैं कि जो फ्री वेज होती हैं या इंटरस्टेट वेज होती हैं वो बेसिकली हम उसकी आप देखें 85 से 99.9% रिलायबल होता है कि क्योंकि हमने उस डाटे को प्रॉपर चैनल से प्रॉपर मैकेनिज्म से उसको मेंटेन किया होता है. उसको हमने काउंट किया होता है या आरटीएस होती हैं उसको भी हम जो मेन रोड्स होती हैं उस पर हम ट्रैफिक की काउंटिंग को अच्छे तरीके से करते हैं और उसकी ईजर्स या प्रिडिक्शन वगैरह ठीक तरीके से करते हैं. जैसे कलेक्टर्स आती हैं उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है और जब जैसे लोकल्स आते हैं लोकल्स में तो आमतौर पे हम ट्रैफिक काउंटिंग भी नहीं करते वो तो हर एक्सपीरियंस बेस पे कर देते हैं. तो अवेलेबिलिटी का इस टेबल से हम देखते हैं कि कौन सी आपकी है रूरल है या अर्बन है तो उसको हम इस परसेंटेज में लेते हैं और अपने आस्ट्रो डिज़ाइन में इसको कंपनसेट करते हैं और इसके मुताबिक भी अपनी थिकनेस को भी इंक्रीज कर देते हैं. तो अवेलेबिलिटी बेसिकली होता है कि हम कितना अथेंटिक हमारा डाटा है और कितना हम उसको इतमाद कंसीडर करके हम उस पर अपनी डिज़ाइनिंग को कंसीडरेशन कर सकते हैं. क्योंकि हमारे पास जो ईजल्स वगैरह होते हैं वो हम ग्रोथ रेट करते हैं उसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं तो इसलिए हम उस एरर के चांसेस हो सकते हैं. दैट्स व्हाई हम उसकी भी परसेंटेज अवेलेबिलिटी को भी उस फैक्टर को कंसीडर करते हैं और कंसीडर करने के लिए भी हम अपनी थिकनेस की पेमेंट थिकनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. So next factor is standard deviation. So what is standard deviation? Our standard deviation that accounts for standard deviation or variation in material and construction. Chances variation in traffic prediction and normal variation in the payment performance.
बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन वो होता है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन जब करते हैं किसी मटेरियल की, तो आपको पता है कि वो मटेरियल हमारे पास जो लैब की टेस्टिंग होती है वो उसमें से हम जस्ट सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग करते हैं। बट रियल कंस्ट्रक्शन में हो सकता है कि वो जो मटेरियल है वो थोड़ा सा डेविएट कर दे, वो थोड़ा सा चेंज भी हो जाए। जैसे हमारे हम कहते हैं कि हमने जो एग्रीगेट देना है वो इस जगह से मंगाना है या इस पहाड़ी से निकाल के क्रश करना है, हो सकता है कि वो जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उधर, तो उधर से हम सैंपल लेके उसको टेस्ट कर लें। जब उसके एंडिंग पॉइंट पर पहुंचे हो सकता है उसकी मटेरियल में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए, या हम कोई ग्रेड यूज करते हैं बिचुमन का, जब हम बिचुमन ग्रेड यूज करते हैं तो हो सकता है कि टेस्टिंग में हमारे पास जो ग्रेड आया वो कुछ आया, और जब हम रियल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें ग्रेड में थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह हो जाए। तो ये होता है कि हम रियल कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी आपकी मटेरियल में डेविएशन हो जाती है, क्योंकि ये हम पूरे सैंपल पे टेस्टिंग नहीं कर सकते, हम उसके जस्ट थोड़े से सैंपल्स लेके उसमें टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें भी हम वेरिएबिलिटी उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है थोड़ी सी कम हो जाती है। दैट्स वे हम डेविएशन का एक फैक्टर लेते हैं अपनी आस्ट्रो पेमेंट में, ताकि उसको भी कंसीडर किया जाए पेमेंट की थिकनेस को डिटरमिन करने के लिए। तो इसके लिए भी हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट में उसकी जो फैक्टर है वो हम लेते हैं 0.4 से 0.5 या 0.45, और विजिट पेमेंट में 0.35। अब विजिट में कम और फ्लेक्सिबल में ज़्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारे पास लेयर्स की तादाद ज़्यादा होती है और मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है। दैट्स वाई हम फ्लेक्सिबल वे पेमेंट में इसकी जो वैल्यू है वो 0.45 लेते हैं, और विजिट पेमेंट में हम इसकी वैल्यू को 0.35 कंसिडर करते हैं। जो जितने भी माया आस्ट्रो के फैक्टर्स थे, 7 फैक्टर्स, उसको हम अब डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम प्रॉपर डिज़ाइन की तरफ आते हैं, ताकि हम न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको समझ आए। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में, न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन या स्ट्रक्चरल नंबर। ये लास्ट टाइम मैंने कहा कि हम नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे जब हमने इजल्स काउंट किए थे, व्हाट इज स्ट्रक्चरल नंबर। The objective of ASTRO method is to determine the flexible payment structure number required to carry the projected design easels. It is left to the designer to select the type of the surface used, which can be either asphaltic concrete, a single surface treatment, or a double surface treatment. The design procedure is used for easels is greater than 50,000 for the परफॉर्मेंस पीरियड। बेसिकली स्ट्रक्चर नंबर होता है कि हमें बताता है कि हमने डिजायर्ड हमें स्ट्रेंथ बताता है कि हमने अचीव स्ट्रेंथ कितनी हमें रिक्वायर्ड है और हमने कितनी अचीव करनी है। स्ट्रक्चर नंबर जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब यह है कि हमें स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। नॉर्मली जो स्ट्रक्चर नंबर होता है वो हमें बताता है कि हमने स्ट्रक्चर नंबर अगर हमारे पास 7 या 8 है तो या 5 है, तो हमें बताता है कि हमने जो अपनी पेमेंट की थिकनेस बनानी है उनकी कंबाइन जब स्ट्रक्चर नंबर निकालेंगे तो वो इक्वल टू 7 होना चाहिए, या हमने जितना स्ट्रक्चर नंबर रखा होगा उसके मुताबिक होना चाहिए। बेसिकली स्ट्रक्चर नंबर हमें उसकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को बताता है। स्ट्रक्चर नंबर इज द एब्स्ट्रैक्शन दैट एक्सप्रेस द स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ और टू द ओवरऑल पेमेंट। स्ट्रक्चर नंबर इज रिलेटेड टू डिटरमिन द थिकनेस ऑफ वेरियस लेयर्स अंडर ट्रैफिक लोडिंग ऑफ ईजल्स। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 3 लेयर्स हैं और हमें स्ट्रक्चर नंबर 6 चाहिए, तो हम फिर अपने जो स्ट्रक्चर नंबर को की बेस पे अपने थिकनेस डिज़ाइन करेंगे, तो हमारी टोटल जो 3 थिकनेस है उनका स्ट्रक्चर नंबर की जो टोटल वैल्यू है वो 6 होनी चाहिए। जो मतलब कि स्ट्रक्चर नंबर हमें उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ बताता है उस पेमेंट की, कि हमने कितनी डिजायर्ड है और हमने कहाँ तक इसको लेके जाना है और कहाँ अचीव करना है उसको। सो स्ट्रक्चर नंबर निकालने के लिए हमें ये 5 फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो लाजमी, जिसकी बेस पे हम स्ट्रक्चर नंबर निकालते हैं, और स्ट्रक्चर नंबर की बेस पे हम अपनी थिकनेस को कंसीडर करते हैं हर लेयर की। तो सबसे पहले ईजल्स फाइंड आउट करना, ईजल यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे हम इसको लास्ट टाइम जैसे हमने फार्मूला से निकाले थे तो ईजल फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी का पीछे टेबल मैंने दिखाया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उस टेबल से हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट है या कौन से स्टेट है, तो अवेलेबिलिटी हम कौन सी लेंगे, 99% लेंगे, 85%, ये उस टेबल से देख लेंगे। उसके बाद एस नॉट इज इक्वल टू स्ट्रक्चरल डेविएशन,
जो हमने अभी स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने अभी देखा था कि हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में 45% लेते हैं, विजिट पेमेंट में 35% लेते हैं। उसके बाद एमआर हमने भी किया था, रेजिलियंस मॉडल्स, जो अगर हमारे पास सीबीआई की वैल्यू गिवन है वो 10% या 10 या उससे उसके 10 के इक्वल या 10 से कम है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर से 1500 से, या अगर 10 से ज़्यादा तो 2550 से हम उसको मल्टीप्लाई करके एमआई की वैल्यू को निकालते हैं। उसके बाद आता है पीएसआई, प्रेजेंट सर्विसेबिलिटी इंडेक्स, और डेल्टा का मतलब है कि उसमें कितने कितना हमारे पास डिफेंस आ रहा है। तो प्रेजेंट सर्विसेबिलिटी इंडेक्स को काफ़ी डिटेल में लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि हमारी जब जो एक ग्राफ से मैंने बताया था आपको कि उस ग्राफ में वाई एक्सिस पे हमारे पास होता है कि स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस, के जो हमारे पास जब रोड न्यू बनती है तो उसकी स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस हम 4 या 4.5 तक लेते हैं, और जैसे जैसे हमारी रोड यूज होती है तो वो हमारी स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस कम होती जाती है, और जब हमारे पास 2.5 आ जाती है तो हम फिर अब उसके ऊपर ओवरले करते हैं और ताकि अपनी सर्विसबिलिटी इंडेक्स हमारा ज़्यादा हो जाए। तो वो उसमें भी हमारे पास दो आते हैं, इनिशियल सर्विसबिलिटी इंडेक्स और टर्मिनल सर्विसबिलिटी इंडेक्स। तो इनिशियल सर्विसबिलिटी इंडेक्स में हमने कहा था कि इनिशियल में जब रोड न्यू न्यू बनती है तो उसकी सर्विसबिलिटी इंडेक्स 4.5 लेते हैं हम, और जब हमारी सर्विसबिलिटी इंडेक्स 2.5 हो तो हमारे पास टर्मिनल सर्विसबिलिटी इंडेक्स आती है, और टर्मिनल सर्विसबिलिटी इंडेक्स पे जाके हम अपने रोड को दोबारा ओवरले करते हैं ताकि हमारी सर्विसबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू ठीक हो जाए, अपने डिजाइन लाइफ को मुकम्मल कर ले। तो डेल्टा का मतलब यह है उसका डिफरेंस, तो 4.5 अगर हमारे पास इनिशियल है और 2.5 हमारे पास फाइनल है, तो डेल्टा सर्विसबिलिटी इंडेक्स होगा 4.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा डेल्टा पीएसआई। तो रिलायबिलिटी हम इस टेबल से देख लेंगे। अब आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, हमारे पास ये डिजाइन चार्ट होता है जिसकी बेस पे हम अपने स्ट्रक्चरल नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर निकालने के लिए हमें ये डिज़ाइन चार्ट होना चाहिए जिसकी जिसपे थ्रू हम अपने स्ट्रक्चर नंबर की वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें आप देखें कि इसमें हमें कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए, उसके बाद हमें ईजल्स की वैल्यू चाहिए, उसके बाद हमें रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए डेल्टा पीएसआई की वैल्यू। अब बेसिकली और टीएल का मतलब है ट्रांसफर लाइन, ठीक है, ट्रांसफर लाइन, तीन ट्रांसफर लाइन्स हैं हमारे पास। अब हमने करना क्या होता है, सबसे पहले हम रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू देखेंगे। रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू आपको पता है, वो चार्ट से देखेंगे। अगर फर्स्ट करें, हमारे पास रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू है 99। रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू अगर हमारे पास 99 है क्वेश्चन में, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास 5 है और रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास 99 है, तो फिर हम एक लाइन ड्रा करेंगे 5 और 99 के दरमियान, और ट्रांसफर लाइन पे आके हम अपनी जो है उसको हम रोक लेंगे। ट्रांसफर लाइन पे हम आके इसको स्टॉप कर देंगे। जब ट्रांसफर लाइन पे आके हमारा स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद हम वैल्यू देखेंगे ईजल्स की। ईजल्स की आपको पता है वैल्यू वैल्यू आती है इन मिलियंस 10^6 में, तो अगर हमारे पास 10^6 में जो वैल्यू आई है तो हम उसमें से गुजार के ट्रांसफर लाइन पे दोबारा अपनी लाइन को ले जाएंगे। उसके बाद ट्रांसफर लाइन पे जाके हम दोबारा स्टॉप हो जाएंगे, और फिर हम अपनी वैल्यू रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। जब रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू भी हम चार्ट से देख लेंगे, और रेजिलियंस मॉडुलस की जब वैल्यू आएगी तो इधर जाके हम अपने ट्रांसफर लाइन पे जाके दोबारा अपनी लाइन को स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डेल्टा पीएसआई। डेल्टा पीएसआई जैसे अभी मैंने कहा कि हम 4.5 अगर हमारे पास इनिशियल है तो हम क्या कहते हैं, 4.5 माइनस टर्मिनल हमारे पास 2.5 है, तो 2.5 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इधर अपनी वैल्यू को रोक देंगे, और जो हमारे पास लाइन है 2 वाली लाइन, उस 2 वाली लाइन के पास जाके हम इसको हॉरिजेंटली टच करेंगे। ये हमने 2 वाली लाइन पे जाके हॉरिजेंटली टच किया और उसके अगेंस्ट अपनी वैल्यू को पा लेंगे, ठीक है, और जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज़ ओवर स्ट्रक्चरल नंबर वैल्यू।
इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है, उसमें रेजिलियंस मॉडुलस उसने 93 के इक्वल रखा है, उसके बाद उसने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3.5 रखी है, तो उसके बाद उसने ट्रांसफर लाइन पे हो गया उसको मतलब कि इस तरह इस प्रोसीजर के थ्रू हम अपने स्ट्रक्चर नंबर की वैल्यू को निकालते हैं। ये था प्रोसीजर हमारा स्ट्रक्चर नंबर निकालने के लिए। उसके बाद हम अपने थिकनेस को फाइंड आउट करते हैं इसके थ्रू। बेसिकली स्ट्रक्चर नंबर जब आ जाता है तो फिर हम इस पे हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। वंस द स्ट्रक्चर नंबर इज फॉर एन इनिशियल पेमेंट स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड, इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट द थिकनेस इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रक्चर नंबर। मैनी कंट्रीब्यूशन ऑफ लेयर थिकनेस आर एक्सेप्टेबल सो दे कैन इफेक्टिवली लॉन्ग विद द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कंस्ट्रेंट मस्ट बी कंसीडर्ड। स्ट्रक्चर नंबर बेसिकली हमें बताता है कि हमारे स्ट्रक्चर नंबर की बेस पे हम अपने थिकनेस को फाइंड आउट करते हैं, और स्ट्रक्चर टोटल स्ट्रक्चर नंबर जो होता है हमारे पास डिजायर्ड स्ट्रेंथ होती है, और उसके मुताबिक हम अपनी थिकनेस को कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, और नॉर्मली जो टोटल स्ट्रक्चर नंबर है वो हमारे पास सेम आना चाहिए। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 6 है तो हम हो सकता है ऊपर ही लेयर 3 रख दें, नीचे में स्ट्रक्चर नंबर 2 रख दें और नीचे में 1, तो टोटल हमारे पास 6 है, या हम 2 2 2 के बेस पे भी हम स्ट्रक्चर नंबर रख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर की बेस पे हम अपनी डिजायर्ड थिकनेस को डिटरमिन करते हैं D1 D2 और D3 पे। अब थिकनेस D1 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिक सॉरी D1 हमारे पास बेसिकली होता है सरफेस कोर्स के लिए। तो यूजिंग E2 एंड MR हम क्या कहते हैं, D2 MR जो हमने लास्ट ग्राफ से स्ट्रक्चर नंबर की SN1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर SN1 की वैल्यू निकल आती है तो उसको फिर हम थिकनेस कैसे निकालते हैं, D1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू SN1 डिवाइडेड बाय A1। A1 हमारे पास क्या था, लेयर कोफिशियंट ऑफ सरफेस कोर्स। अगर आपके पास फर्स्ट करें कि वैल्यू आती है 3.3, तो हम यहाँ पे 3.3 नहीं कहते, हम उसको क्या कहते हैं, हाफ इंच तक राउंड ऑफ कहते हैं, 0.5 की फिगर पे लेके जाते हैं। जैसे ये देखें आप कि अगर हमारे पास वैल्यू आती है 3 तो इट इज ओके, देन हम क्या करेंगे, D1 को यूज करेंगे इज इक्वल टू SN1 ओवर A1। अगर हमारे पास वैल्यू आती है 3.3 तो देन हम 3.3 को यूज नहीं करेंगे, हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे 3.5 पे। बट हमने ये राउंड अपनी तरफ से नहीं करना, अगर हमने 0.2% राउंड ऑफ किया है तो हम इसके 0.2% को आगे D2 पे इसको शिफ्ट करेंगे, ताकि हमारी जो 0.2 अपनी तरफ से नहीं किया, हम उस इसका इफेक्ट दूसरी लेयर पे डालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास वैल्यू आती है 3 3.5 4 4.5, देन इट इज इक्वल टू कंसीडर करेंगे और इसी को कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास वैल्यू आती है 3.3 तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे 3.5 तक। बट उसके लिए क्या करना होगा, हमें SN स्टेरिक फाइंड आउट करना पड़ेगा। SN1 स्टेरिक का मतलब क्या है कि हमने जो कंसीडर किया वो हमने जो वैल्यू निकाली वो निकाली 3.5 कंसीडर किया, तो 3.5 को हम इक्वल रखेंगे SN1 स्टेरिक डिवाइडेड बाय A1 लेयर कोफिशिएंट, और इधर से हम SN1 स्टेरिक की वैल्यू निकाल लेंगे। SN1 स्टेरिक की वैल्यू जब निकल आएगी उसका मतलब ये है कि हमारी SN1 की वैल्यू थोड़ी सी 2.2% इंक्रीज हो गई है, तो फिर हम इस पे D1 डबल डैश को रिप्रेजेंट कर देंगे और नेक्स्ट लेयर पे इसको कोऑपरेट कर देंगे, नेक्स्ट लेयर पे इसका इफेक्ट डाल देंगे। तो इधर से हमारे पास D1 निकल आएगी, D1 की थिकनेस, अब हमारे पास जो थिकनेस निकली है इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, और जो कम ज्यादा करने के बाद उसका इफेक्ट हम दूसरी लेयर पर डाल सकते हैं। फर्स्ट करें, अगर आपकी थिकनेस निकलती है वेयरिंग कोर्स पे ज्यादा 3.5 निकल आती है थिकनेस, तो हम क्या कहते हैं उसका इफेक्ट कोशिश करते हैं नीचे भी सब बेस पे डालें, क्योंकि उस पे थिकनेस ज्यादा हो जाए तो उसका इफेक्ट नहीं होगा कोस्ट पे, क्योंकि उसका मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल है और उसकी कोस्ट भी कम होती है। तो बेसिकली हमने टोटल स्ट्रक्चर नंबर को पूरा करना होता है अपनी थिकनेस को कम ज्यादा करके, टोटल स्ट्रक्चर नंबर हमारा इक्वल आना चाहिए। अब जैसे हमने इसको राउंड ऑफ किया तो हमने इसके लिए स्ट्रक्चर नंबर नया निकाला, अब हम उसको
उस ग्राफ से नहीं निकाले कि हम एस एन वन स्टेरिक ने उसको नाम दे दिया, उसको इस फार्मूले से दोबारा एस एन वन स्टेरिक से नया स्ट्रक्चर नंबर निकाल लेंगे और उस एस एन वन को हम कोऑपरेट करेंगे डी टू पे। तो अब डी टू क्या होती है, बेस कोर्स के लिए होती है। बेस कोर्स के लिए भी इसका फार्मूला होता है डी टू इक्वल टू तब होगा जब हमने वही वैल्यू कंसीडर की है एस एन वन वाली, ठीक है। अगर हमने एस एन वन वाली वैल्यू नहीं की हो, एस एन डैश या एस एन स्ट्रे की वैल्यू कोऑपरेट की है, तो उसका फार्मूला होगा एस एन टू माइनस एस एन वन स्टैटिक डिवाइडेड बाय ए टू लेयर कोफिशियंट और एम टू आपके पास ड्रेनेज कोफिशियंट, या हम उस टेबल से देख लेंगे। इधर से हमारे पास वैल्यू आएगी और जो वैल्यू आएगी अगर वो हमारे पास वैल्यू आती है कोई भी वैल्यू आती है जो हमारे तो हम उस अगर वो राउंड ऑफ करना पड़े तो हम उसको भी राउंड ऑफ कर, अगर 7.8 आई है तो हम उसको 8 इंच कंसीडर कर सकते हैं, अगर 3.4 है तो 3.5 इंच कंसीडर कर सकते हैं, मतलब कि हाफ उसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए भी हम एस एन टू को भी हम उसी फार्मूले से एस एन टू स्ट्रेटजी निकालेंगे और उसका इफेक्ट एस एन थ्री पे लेके जाएंगे। अदरवाइज भी हम इसी, अगर हमारे पास राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है तो हम इसी वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे डी टू की वैल्यू को, और इसी तरह भी हम डी थ्री की वैल्यू निकालेंगे फॉर सब बेस कोर्स, उसमें उसका फार्मूला होता है एस एन टू एस एन थ्री माइनस एस एन टू स्टैटिक, या अगर हमने स्टैटिक उसको राउंड ऑफ नहीं किया तो एस एन टू आ जाएगा इधर डिवाइडेड बाई ए थ्री और एम थ्री। तो इधर से भी हम इसकी वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे और टोटल जो हमारे पास थिकनेस होगी वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर नंबर है वो हमारे अगर उसके इक्वल होंगे तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे और अपनी थिकनेस को डिटरमिन कर सकते हैं। ये था प्रोसीजर अपनी फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को कंसीडर करने के लिए। तो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। दिस इज अ न्यूमेरिकल, दिस इज अ क्वेश्चन। फ्लेक्सीबल पेमेंट फॉर एन अर्बन इंटरेस्ट रेट हाईवे इज टू बी डिजाइन यूजिंग आस्ट्रो 1993 गाइड। प्रोसीजर टू कैरी अ डिजाइन easels of 2 into 10 qs to plus 6. It is estimated that it takes about a week for water to be drained from within the pavement, and the pavement structure will be exposed to moisture level approaching saturation for 30% of the time. The following additional information is available. Resilience modulus of asphalt concrete at 68 degree Fahrenheit is equal to 4,50,000 lbs per inch square. CPI value for base course material is MI is equal to 31,000, or CPI value for subbase is 13,500, or CPI value for subgrade material is 6, और इधर से हम इसकी एम आई की वैल्यू निकाल लेंगे। सो उसके अलावा हमें क्वेश्चन में गिवन है अवेलेबिलिटी लेवल 99%, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 0.49, इनिशियल सर्विसिबिलिटी इंडेक्स गिवन है और फाइनल सर्विसिबिलिटी इंडेक्स टर्मिनल सर्विसिबिलिटी इंडेक्स गिवन है। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें गिवन दे दी हैं, ईजल्स हमें गिवन दे दी है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमने जो हमारा हमने ड्रेनेज फैक्टर निकालना है उसने कहा कि एक वीक लगता है उसमें से पानी, उसकी सोइल में से पानी ड्रेन आउट होने के लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा 30% टाइम जो टोटल टाइम है उसमें से 30% टाइम उस पर पानी हो जाता है। 30% मतलब कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं उस इलाके में, यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग आती है, तो 30% टाइम पानी आता है और उसको ड्रेन आउट होने के लिए एक हफ्ता लगता है। फिर मतलब फिर हमारे पास आया टेबल में जब हमने देखा था अस्वाल कंक्रीट का मतलब है वेडिंग कोर्स, तो वेडिंग कोर्स पे रेजिलियंस मॉडल्स के जो हमें एक वैल्यू गिवन है वो है 4,50,000, और सब बेस कोर्स के लिए जो हमारे पास एम आई की वैल्यू वो हमारे पास गिवन है, और सब बेस के लिए भी गिवन है, और सब ग्रेड के लिए उन्होंने हमें दे दिया है सी बी आई की वैल्यू 6, और ये क्योंकि हमारे पास 10 से कम है तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे एम आई की वैल्यू निकालने के लिए वो होगा 6 × 10 = 1500, और इधर से हमारे पास एम आई की वैल्यू आ जाएगी 4 सब ग्रेड, तो दैट इज 9000 एल बी पर इंच स्क्वायर। बाकी अवेलेबिलिटी की वैल्यू भी गिवन है, मतलब इंटरेस्ट रेट है, और 99% इसका डाटा अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन है 4.049, इनिशियल सर्विसिबिलिटी इंडेक्स गिवन है, टर्मिनल सर्विसिबिलिटी इंडेक्स है, तो डेल्टा पीएसआई की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4.5 - 2.5 =
तो सबसे पहले स्टेप वन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम SN1 फाइंड आउट करेंगे, SN1 फाइंड आउट करेंगे फोर्स, सरफेस फोर्स। तो स्टेप वन में क्या है जी, ड्रा अ लाइन ज्वाइनिंग टू अवेलेबिलिटी लेवल्स, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जो लाइन है वो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास है 99%। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 0.49। और उसके बाद हमने इस लाइन को फर्स्ट टर्निंग लाइन पे जाके रोकना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे जो हमारे पास वैल्यू है उसमें हम फर्स्ट स्टेप में हम जो वैल्यू है वो 99 है, तो 99 से अपनी वैल्यू स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास जो SN1 की वैल्यू है वो 0.49 है, तो SN1 ये देख रहे हैं आप, ये 0.49 से हमने इसको क्रॉस किया और इधर आके हमने रोक लिया। ये स्टेप वन है कि हमने इसको यहाँ तक आके ट्रेंडिंग लाइन तक रोक लिया। सेकेंड स्टेप इज हमने अपने इजल्स को देखना है, इजल्स की वैल्यू है हमारे पास 2 × 10^6। तो हमने इस टर्निंग लाइन से अपनी लाइन को ज्वाइन गुजारना है 2 × 10^2, मतलब 2 से हमने इसको गुजारना है, 2 से गुजार के हमने इस टर्निंग लाइन पे अपनी वैल्यू को रोक देना है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो है इफेक्टिव रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू, इफेक्टिव रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास हमने देखना है, दे आर लाइन ज्वाइनिंग बी रेजिलियंस मॉडुलस ऑफ बेस कोर्स। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी सरफेस का रेजिलियंस मॉडुलस लेते हैं तो उससे नीचे वाली सरफेस का रेजिलियंस मॉडुलस को कंसीडर करते हैं, उस सरफेस का रेजिलियंस मॉडुलस कंसीडर नहीं करते। तो हमने सरफेस कोर्स करना है तो बेस कोर्स का रेजिलियंस मॉडुलस की जो वैल्यू है वो उस पे उसको हमने कंसीडर करना है। तो बेस कोर्स का रेजिलियंस मॉडुलस की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 31,000। तो 31,000 की हम कैसे निकालेंगे, 31,000 क्योंकि ये हमारे पास 10^5 में आता है, तो इधर से भी हम इसकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे और ये 3 की इक्वल ऑलमोस्ट आएगी, तो फिर इधर से हम इसको गुजार के इस ट्रेंडिंग लाइन पे रोक देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने डेल्टा PSI की वैल्यू देखती है, तो डेल्टा PSI की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, तो इस लाइन को हमने हॉरिजॉन्टली 2 पे जाके रोकना है। इस लाइन के साथ ये हम देख रहे हैं ये 2 की लाइन जा रही है, तो इस 2 की लाइन पे जाके हमने इसको रोकना है और इसके अगेंस्ट हमने नीचे लाइन ड्रा करनी है, और नीचे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी SN1 की वैल्यू। ठीक है, तो इस हमारे पास जो है वैल्यू आई है वो आई है 2 ऑलमोस्ट 2.6। अब ये जो है ये इसमें हम 0.1 डिग्री का एरर जो है उसको हम निगलेक्ट करते हैं। फर्स्ट करें ये, अब देखें ये 99% था, ये 0.49, ये 2.0 और ये 3100 और 31,000, और इधर से हमने 2 वाली वैल्यू पे जाके अपने SN1 की वैल्यू को कंसीडर किया है। अब किसी स्टूडेंट की ये वैल्यू 2.5 आई, किसी की हमारे पास वैल्यू 2.7 आ सकती है, तो ये इतना कंसीडरेबल है। ये हमारे पास इधर से SN1 की वैल्यू निकल आएगी। जब हमारे पास SN1 की वैल्यू निकलेगी तो हमारे पास जो हमने जो क्योंकि थिकनेस डिटरमिन करनी है, तो उसमें हमने A1 की वैल्यू भी कंसीडर करनी है। तो A1 की वैल्यू कैसे कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो रेजिलियंस मॉडुलस है फॉर सरफेस कोर्स वो है हमारे पास 4,50,000। तो 4,50,000 को हम डिवाइड करेंगे 10^5 पे, तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4.5। तो 4.5 के पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और जहाँ पे हमारे पास ये टच करेगा वो वैल्यू होगी हमारे पास सरफेस कोफिशियंट A1 की वैल्यू, तो ये 0.44 वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इस ग्राफ के थ्रू भी। तो ये 4.5 को हम इस लाइन के टच करेंगे और सामने वैल्यू देखेंगे वो ऑलमोस्ट 0.44 वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, D1 इज इक्वल टू SN1 डिवाइडेड बाई A1। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 5.9। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, हम इसको कंसिडर करेंगे 6, तो क्योंकि इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो मैंने काफ़ी डिटेल से बताया, तो हम इसको SN1 स्टैटिक का नाम देंगे, और SN1 स्टैटिक को निकालने के लिए भी हम दोबारा इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे ताकि हम फिर SN1 की वैल्यू ये कंसीडर करें। तो SN1 की वैल्यू हमारे पास पहले आई थी 2.6,
सिंपल एस एन वन की, तो एस एन वन स्टैटिक की जो वैल्यू आएगी उसमें हम इसको 6 पुट करके मल्टीप्लाई बाय 0.44 करेंगे, तो हमारे पास एस एन वन की जो वैल्यू आएगी वो 2.64 आएगी, जो हम नेक्स्ट डे टू में इसको कॉपरेट करेंगे। इसी तरह डे टू में हम निकालेंगे, डे टू में सेम वही चीज़ें हैं, हमने इधर जो रेजिलियंस मॉडुलस है वो हमने इससे नीचे भी सरफेस का लेना है, वो हमारे पास 13,500 आएगा, और इधर से हमने दोबारा टू पे जाके इसकी वैल्यू देखनी है, जो हमारे पास निकलेगी वो 3.8 निकलेगी। और इसी तरह हमने फिर ए टू की वैल्यू देखनी है, ए टू की वैल्यू उसके रेजिलियंस मॉडुलस के अगेंस्ट हम देखेंगे वो 0.14 आ रही है, क्योंकि अनट्रीटेड है उस पर हम देखेंगे, और ड्रेनेज कोफिशियंट हम इस पे देखेंगे, उसे लगता है एक हफ्ते में वो पानी मतलब ड्रेन आउट कर देता है, सेचुरेशन खत्म कर देता है, और जो 30% हो सकता है, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.80। तो डी टू निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, एस एन टू माइनस एस एन वन स्टैटिक। तो अब इधर जो है हमारे पास एस एन वन आएगा वो हमारे पास स्टैटिक की फॉर्म में आएगा, जो हमने एस एन वन स्टैटिक निकाला 2.64 और डिवाइडेड बाय ए टू और एम टू, इधर से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 10.26। तो इसको बेसिकली नॉर्मली हम लेते हैं इवन डिजिट्स में, तो हमने इसको यूज़ किया 12 इंचज़, तो 12 इंचज़ यूज़ किया, तो बेसिकली जब 12 इंचज़ यूज़ किया तो हमारे पास जो एस एन टू है वो भी हम स्टैटिक की फॉर्म में लेंगे। तो एस एन टू स्टैटिक कैसे होगा, 0.14 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इधर से हमारे पास मतलब कि ये आ जाएगा ए टू एम टू मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हमने जो यूज़ किया है 12 इंच, तो प्लस एस एन वन, तो इधर से हमारे पास जो एस एन टू की वैल्यू आएगी वो 3.98 आई है, जो हमने पहले 3.8 यूज़ की थी, तो ताकि हम इस एस एन टू को कोऑपरेट करते हैं अपनी सब सरफेस कोर्स के लिए। तो इसी तरह हम सब सरफेस कोर्स में उसके बाकी वैल्यूज वही आएंगे, रेजिलियंस मॉडुलस उसका नीचे सब ग्रेड वाला आएगा, उसके अगेंस्ट जो वैल्यू देखेंगे एस एन थ्री की वैल्यू वो हमारे पास 4.4 आएगी, और इसके अगेंस्ट हम एस एन थ्री की वैल्यू देखेंगे, यहाँ सी पी आई के थ्रू देख सकते हैं या रेजिलियंस मॉडुलस के थ्रू देख सकते हैं, तो उधर से हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसके अगेंस्ट हम डी थ्री की वैल्यू निकालेंगे, और डी थ्री में हम एस एन टू स्टैटिक वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे, और जो डी थ्री की वैल्यू आएगी वो 6 इंच आएगी, और इसी तरह डी थ्री स्टैटिक की वैल्यू हम दोबारा निकालेंगे, और अगर वो वैल्यू हमारे पास 4.4 से ज़्यादा आ जाए तो इट्स मीन कि एस एन थ्री की वैल्यू हमारे पास ओके है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास थिकनेस कैसे कैसे आएगी, तो हमने कहा सरफेस को हम 6 इंच का रखेंगे, बेस को हम 12 इंच का, और सब बेस को 6 इंच का, टोटल थिकनेस जो आएगी हमारे पास वो आएगी 24 इंच। तो हम इधर से हमें पता लग जाएगा ये हमारी जो थिकनेस है वो रिक्वायर्ड थिकनेस से ज़्यादा आई है, तो इट इज़ ओके। तो ये था हमारा टोटल डिज़ाइन, जिसमें हमें पता लगा कि हमारी जो पेमेंट की थिकनेस है वो कैसे हम कितनी कितनी आ रही है। तो इसके अलावा फिर हम इस पूरे डिज़ाइन को एक इस इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टुडेज लेक्चर था, इसको अच्छी तरह आप स्टडी करें, और तो क्वेश्चन आंसर सेशन में हम जूम के सेशन में इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।